1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा झारखंड के नए डीजीपी बने हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया है और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, औपचारिक सवाल यही, अब तो कई बार जवाब दे चुके हैं, पहली प्राथमिकता क्या हो? अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता है, दूसरी प्राथमिकता उग्रवाद पर नियंत्रण है, तीसरी प्राथमिकता विधि व्यवस्था संधारण है, चौथी प्राथमिकता है श्रेष्ठ और त्वरित अनुसंधान, पाँचवीं प्राथमिकता है अभियोजन की क्वालिटी और उसका स्पीड को बढ़ाना जिससे कि केसेस का डिस्पोजल जल्द से जल्द हो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है कि आम नागरिकों के प्रति हमारे कटिंग एज के जो पदाधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना जिससे कि उनका व्यवहार आम नागरिकों के प्रति शालीनतापूर्वक और सौजन्य के साथ हो। इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस आम जनता के सहयोग से ही काम करती है, सारा इन्फॉर्मेशन जनता से ही आता है, तो अगर पुलिस और आम जनता के बीच में बेहतर संबंध स्थापित हो, लोगों को पुलिस के पास आने में संकोच न हो, तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बेहतर होगा और हम अपनी जो सर्विसेज हम समाज को दे रहे हैं या सिटीजन को दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। आपसे पहले जो डीजीपी थे उनमें और आप में बातचीत में थोड़ा अंतर दिख रहा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन आप दिख रहे हैं, और पहले जब बातचीत हो रही थी तो आयरन हैंड और तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तो क्या लगता है कि ये जो दूरी बढ़ गई थी माना जा रहा था वो पाटा जा रहा है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार रिस्पांस होता है और उनका रिस्पांस अपनी जगह, जिन हमारा रिस्पांस भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को भी फर्म स्टेप्स लेने होंगे। शालीनता बाधक नहीं है कार्रवाई में, तो शालीन रहते हुए जहां कार्रवाई करनी है और जितनी सख्त कार्रवाई करनी है, पुलिस बहुत सारी कार्रवाइयां करती हैं कानून के दायरे में भी और अन्यथा भी। आप जिस वक्त सर डीजीपी का पदभार ग्रहण कर रहे हैं, ये सरकार बनने के एक साल तक कोरोना का संक्रमण था, अब काम स्मूथली शुरू हुआ है। इससे पहले जो सरकार थी उसमें हमेशा यही कहा गया कि 2017-2018 एक डेडलाइन दिया गया कि नक्सलवाद झारखंड से खत्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो अब नक्सलवाद से निपटने के मामले में आप इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं या एक अवसर है? नक्सलवाद एक चुनौती है, वो प्राथमिकता का फोकस एरिया है हमारा और उसको डील करने के लिए बहुत टाइम टेस्टेड तरीके हैं जिनका हम लोग उपयोग करेंगे। नक्सलवाद तो झारखंड नक्सलवाद के लिए जाना ही जाता था, हाल के दिनों में जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ा है, जामताड़ा और उसके आसपास के इलाके में जिस तरह से साइबर क्राइम का एक गढ़ बना है, तो उसको लेकर क्या कुछ होगा? क्योंकि साइबर के मामले में झारखंड पुलिस कुछ बेहतर नहीं कर पाई है। अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री को जान से मारने की 3 बार 2 बार धमकी दे गई, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हो पाया, जो बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ लूपहोल्स है, कमजोरी है। साइबर क्राइम के अपने चैलेंजेस हैं और उससे निपटने के लिए कई टेक्निक्स हैं और टेक्निकल इंटेलिजेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है कार्रवाई का आधार बनने का, तो टेक्निकल इंटेलिजेंस का हम लोग अधिकाधिक उपयोग करेंगे। उसके अलावा साइबर क्राइम के संबंध में बहुत सारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी मिलते हैं, उन सब का उपयोग करते हुए उसको सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग होती है हाल के दिनों में अभी कई बार हुई भी, तो क्या लगता है कि उससे करते हुए नक्सलवाद और साइबर क्राइम दोनों पर कंट्रोल? बिल्कुल, नक्सलवाद का कोई दायरा ऐसा नहीं है कि वो किसी राज्य में सीमित है, या क्राइम जो है वो भी किसी राज्य में सीमित नहीं है, तो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए सीआरपीसी में या कानूनों में व्यवस्था की गई है कि हर राज्य की पुलिस को किस प्रकार सहयोग देना है दूसरे राज्यों को। हाल के दिनों में नक्सल गतिविधि काफ़ी तेज़ हो गई है, कई इलाकों में लगातार घटनाएं घट रही है, चूँकि आप तो आज ही पदभार ग्रहण किए हैं, लेकिन फिर भी क्या कारण मानते हैं कि अचानक से फिर नक्सलवाद पनपने लगा है? इस पर तो मैं कोई अध्ययन करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। हाल के दिनों में सर कुछ अपराध की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, ग्राफ भी काफ़ी तेज़ी से उठ रहा है, राजनीतिक बयानों की बात करें तो लगातार रेप हत्या लूट के मामले सामने आ रहे हैं और निशाना भी साधा जाता है झारखंड पुलिस पर, अब उस पर माना जाए कि अंकुश लगे? हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हर प्रकार के अपराध, ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी और अन्य जो अपराध हैं उन सभी पर नियंत्रण लगाया जाए। झारखंड
उत्तराखंड में पुलिसिंग को ठीक करने के लिए एक दिन की छुट्टी का भी व्यवस्था किया गया था, 13 महीने का वेतन का भी किया गया था, दोनों कहीं ना कहीं अभी तक शायद शुरू नहीं हो पाए। उसका अध्ययन करके हम लोग उसको लागू करेंगे। जो भी सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए अगर व्यवस्था की है तो उस व्यवस्था का बेहतर उपयोग होना चाहिए। अपराधियों को, नक्सलियों को, वैसे लोग जो अवांछित कामों में लगे हैं, उनका क्या मैसेज होगा नीरज? सुधर जाएं। बिल्कुल, ये थे झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा। कम शब्दों में अधिक कुछ कहते हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी अपराधी हैं वह सुधर जाए। अपने सहयोगी संजय रंजन के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in